integration of some more predominant functions. Okay, तारा हमें consider करें इतने और किसी problem में तारा solution करते हैं. ठीक है जी. तो आज हम तो किसी problem में solution करेंगे ना. Let's see. Okay, तो question दिया है इसको हम लोगों integration of dx by cos x into 5 plus 3 cos x. Okay, यार को हमें क्या मिलता solve करेंगे वो तो हमें देखना है. ठीक है जी. देखो. Okay, let me just tell you आपको let 1 by the root of cos x into 5 plus 3 cos x equal to let me find that a by cos x plus b by 5 plus 3 cos x. Okay, nahi neighbor ye thing okay partial 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 padhla hame okay to due to partial partial hame neighbor ek bande 1 by cos x into 5 plus 3 cos x equals to a by this much and b by that much. ठीक है तो ठीक है बुझ गए तो क्लियर हो गए. ओके तो क्या करेंगे प्लान है 1 by cos x into 5 plus 3 cos x equals to देखो ये प्लान है एलसीएम बाहर कर देंगे कौन एलसीएम बाहर कर ले cos x into कौन 5 plus 3 cos x अब कि नहीं चलो कौन बाहर कर ले हमने a into डिवाइड कर दिया कौन 5 plus 3 cos x अब डिवाइड कर दिया कौन है b अच्छी ठीक है ठीक अच्छे मुझे बस समझते हैं राइट जब हम कंसीडर कर देते हैं तो लिखा हो 1 इक्वल्स टू a इनटू दिस मच प्लस b इनटू दैट मच. ठीक है ठीक अच्छे मुझे बस समझते हैं ताले हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं a को चले a रो b रो मूल्य आने की अति फुट को तो हम इंटीग्रेट कर दिया हमारे पास. ठीक अच्छे तो हम बता दो मतलब हमें a रो b रो मूल्य आने देखो यदि हम को करें a को मैं 0 करें ओके यदि मैं a 0 पे जाऊं छी ताले cos x मूल्य कोन बे cos x रो मूल्य ने जे कोन मिला ने ने बेटी वो माइनस 5 बाय 3 हो कि नहीं माइनस 5 बाय 3 हो कि नहीं 1 इक्वल्स टू माइनस 5 से 3 कैंसिल हो जाओ माइनस 5 प्लस 0 इक्वल तो 0 प्लस b इनटू cos x मूल्य के मिला बेटे माइनस 5 बाय 3. ठीक है जी एंड 1 इक्वल्स टू मान b into minus 5 by 3. ओके तो b इक्वल के दे करियो जेड अमाउंट कर देओ minus 3 by 5. ओके तो b रो मूल्य पाइल तो कते जे minus 3 by 5. ठीक अछे कोनी आ कोन जामे a रो मूल्य आयो. ओके तुम को करबे एठे को कर जे a जे a रो मूल्य आयो तो b को जीरो करबे जदे मु a को आना चाहौ छी तो b को जीरो करबे. ठीक अछे ले b को जीरो केने करियो cos x रो मूल्य कोन लेबो cos x रो मूल्य कोन जे 0 नै. ठीक अछि 0 नले a रो मूल्य फ्रेश. ठीक अछि तो cos x रो मूल्य 0 नै जीवो तले कोन मिलल हमने देखो 1 इक्वल्स टू एटी कोन लगा a into 5 plus 3 into 0 हाउ मच 0 plus b into 0 0 हो गेला 1 इक्वल टू a into 5 एंड a इक्वल टू 1 by 5 क्लियर हो छि बुझियो छि बुझियो छि. ओके तो हमें ए उपाय का नहीं के हम कौन जे ए रो मूल्य बी रो मूल्य आन दले. ओके ए रो मूल्य बी रो मूल्य नहीं कोनी कौन जे ए इक्वेशन ए रे मु पुट कर दे तो इक्वेशन ए बिकम्स कोन पिला ने देखो देखो 1 बाय कोन कर पिला ने cos x 5 plus 3 cos x dx इक्वल ए कर पिला ने ए रो मूल्य कर पिला ने 1 बाय 5 1 बाय 5 बाय कौन दे cos x इंटीग्रेट्स प्लस बी मूल्य तो मिला बी मूल्य माइनस 3 बाय 5 बाय कौन दे 5 प्लस 3 cos x इनटू dx क्लियर हो गया ना. ओके राइट तो आई कैन रिकॉर्ड कौन दे 1 बाय 5 को बाहर आउट कर भी कौन 1 बाय cos स्क्वायर कौन हो sec x इनटू dx माइनस 3 बाय 5 बाहर बाहर कर दियो मतलब कौन 1 बाय 5 प्लस 3 cos x इनटू dx क्लियर हो चुका है ना. ओके क्लियर हो चुके. ओके तो 1 बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ sec x इन dx माइनस 3 बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 5 माइनस 5 प्लस 3 cos x. ओके तो यहां को हमें इंटीग्रेट करके तार हमें आंसर आने का. ठीक अच्छे. ओके लेट्स सी देखो तो 1 बाय 5 1 बाय 5 के लिए बैठे 1 बाय 5 sec x का इंटीग्रेशन मिला आंसर कौन है
sec x full up kojali konje log sec x plus tan x okay log sec x plus tan x thik achi minus 3 by 5 1 by 5 plus 3 dekho tale bartan previous chapter kojile cos x sin x thila me kon kariya kojile me e chapter ra kojile konje cos x full up kojile 1 minus tan x by 2 by 1 plus tan x by 2 cos x jodi sin x thae integrate re integration re tahale tumhe ko koribo sin x cos x kon de convert kore putre je tan x e jodi mu tan re convert kore jauchi tale cos x pora jauchi mu put kor je kon kon pila me 1 minus kon tan x by 2 by 1 plus tan x by 2 clear hoch pila me okay বুঝলা ঠিক আছে তো 3 ইনটু 1 মাইনাস tan x স্কয়ার 2 বাই 1 প্লাস tan x স্কয়ার ঠিক আছে ফুট কল কত হবে দেখো বলা তো 1 বাই 5 গুণ log sec x প্লাস tan x ওকে মাইনাস 3 বাই 5 ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই দেখো এটা হলো এক্স ভাগ করতে কত হলো 1 বাই 1 প্লাস tan x স্কয়ার 2 তো মাল্টিপ্লাই 5 ইনটু 1 প্লাস plus 3 into 1 minus tan square into dx okay clear hoche pura clear right ab bole na dekho by t square plus 2 square into dt.
Sin de alalat filan sin ne kiran, a by 3 by 3 kiran.
আমি কো রাখো আকো কো রাখো আমি এদার সাইন নলে পজিটিভ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম এই ব্যক্তি কি বিয়ার সেন্স করছে ঠিক আছে তো আমি যদি আমি সেন করিবা তো কো করি মোটে মু কস এস্টিমেট করবে কোন অর্ডার করো কস ক্রিয়েটস ইনটু 1 প্লাস 2 সাইন এক্স ইনটু ডিএক্স তবে নে ঠিক আছে তারপরে বাই কস এক্স এর ফলাফল কোন 1 মাইনাস sin x into 1 plus 2 sin x into dx hello kine okay aap ko rikhlane te sin x ko putne jo keto bilane cos x equal to dt by dx or dx equals kon ho dt by cos x put kar to bilane kon ho beta cos x by 1 minus t square into 1 plus 2t into dt by कोशिश ये कंट्रोल कर दियो ओके तब बोले कौन बोला हमने dt by a minus b cos square बोला क्या ना a minus b into a cross b into 1 cross 2t ओके ऐसे लिख पहले मत लिखिए ऐसे क्लियर हो चुका है राइट नेक्स्ट पे कौन बोले रखा पहले अपन हम हमारे प्रेस करो कौन जी हमारे पार्सल फंक्शन हमारे प्रेस करो पहले बोल कौन कोई मोल लेट नहीं जी बोल बोला लेट नहीं भी कौन जे वन माइनस टी इनटू वन प्लस टी इनटू वन प्लस टू टी खुश तो ए बाई वन माइनस टी प्लस बी बाई वन प्लस टी प्लस सी बाई वन प्लस टू टी ओके इधर क्लियर क्लियर हो समझ रहा ठीक है तो ये ठीक ही हम निकाल ले ड्यू टू पार्शियल फंक्शन वन बाई दिस मच इक्वल टू ए बाई दिस मच बी बाई दिस मच सी बाई दैट मच ओके क्लियर ठीक है तो कौन सा प्लान है देखो पहले ऐसे बात कर देते हैं हां ऐसे बात कर देते हैं 1 माइनस t इनटू 1 प्लस t इनटू 1 प्लस 2t ठीक है से तो कौन सा प्लान है a इनटू देखो ऐसे कर दे कौन बाहर 1 प्लस t इनटू 1 प्लस 2t प्लस b इनटू 1 प्लस ऐसे कर दे और 1 माइनस t इनटू 1 प्लस 2t प्लस या को डिवाइड कर दे कौन सा प्लान है प्लस c इनटू 1 माइनस t इनटू 1 प्लस b अब हो गया नहीं क्लियर है ओके तो या को कैंसिल कर दियो और ये हमारा दे दिया ठीक है बता इनको बोलिए हमें a और b और c रो वैल्यू ऐड करना ठीक है यदि मैं a को b 0 पर लिए c ऐड करेंगे b को c 0 पर लिए a ऐड करेंगे a को c 0 पर लिए b ऐड करेंगे क्लियर हो गया ओके So let's do it. कौन लिखवा में? F. A रो मुझे जो T रो मुझे माइनस वन ने भी. तो A सी जीरो ही. A जो मुझे माइनस वन ने भी तो वन इक्वल टू जीरो ही बोला. Plus B into वन माइनस T. ठीक है तो जब मेरा माइनस वन है ना तो plus वन ही जोड़ रहा है. Into वन. टू माइनस वन. टू इन माइनस वन. माइनस टू. तो माइनस टू ही जोड़ रहा है. जीरो ही. तो वन इक्वल टू B into टू into माइनस वन. तो b इक्वल्स टू कौन जे माइनस 1 बाय 2 b रो मुझे पहला कौन जे माइनस 1 बाय 2 ओके कौन दिखा कौन जे हमें ये कौन a और c आने हम देखो तो a को c आने के नाने कौन है देखो अगर तो बोला मैं b ने जो b तो पढ़ाया होगा पहले हम b आने को आता b पढ़ाया a आने को b को जो c जीरो कर दे पहले t को 1 पुट कर देंगे देखो t रो मुझे जो 1 पुट कर देंगे कौन बोलते हैं वन इक्वल टू ए इनटू वन प्लस टी वन इनटू वन प्लस टू टी वन प्लस टू जीरो जीरो तो ए इनटू टू इनटू थ्री तो ए इक्वल टू वन बाय सिक्स असलम ए बाय सिक्स बी बाय सिक्स अपने सी आने वाला है तो दोनों को करें ए को और बी को जीरो करें देखो कितने यदि मान लो t रो मूल्य जो माइनस 1 बाय 2 है देखो t रो मूल्य यदि मान लो माइनस 1 बाय 2 है तो 1 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 जीरो ही रहेगा एरर भी जीरो ही रहेगा प्लस c इनटू 1 t रो का मतलब है माइनस 1 बाय 2 तो प्लस 1 बाय 2 तो 1 प्लस t 1 माइनस 1 बाय 2 ओके तो 1 इक्वल टू c इनटू 2 plus 1, 3 by 2.
2 minus 1, 1 by 2. Okay. So C equals to 2 to the 4. 4 by 3. Okay. C asila, B asila, okay. A over the asila. Okay. Here is it. A, B, C over the asila. What does the equation do? Let's have a problem. Thank you.